नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। जुमई जिले के जुमई प्रखंड अंतर्गत आने वाला है अमृत पंचायत, वहां से समाज सेवी सह मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं धीरज कुमार मोदी। धीरज कुमार मोदी 2001 से लगातार सक्रिय राजनीति में हैं और पंचायत की जनता की सेवा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि धीरज कुमार मोदी अपने पंचायत में सामाजिक स्तर पर पंचायत में कन्या विवाह योजना और स्वास्थ्य सेवा में लोगों को अपने माध्यम से आर्थिक मदद करते हैं। इस बार मेरी माँ पंचायत में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही है और इससे पहले भी चुनाव लड़ी थी जो कि इसका स्थान को मिला था। और मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना, भाईचारा कायम करना, जात पात को खत्म करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। और अभी जो आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन चल रहा है उसके तहत उम्मीद करते हैं कि हमारे पंचायत के महिला को कुटीर उद्योग के माध्यम से मिनिमम 25% महिलाओं को रोजगार देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराना, जैसे कि अभी सिंचाई के लिए हमारा देश किसान प्रधान देश रहा है, तो किसानों के लिए जैसे कि अभी बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार का साफ निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत पानी पहुंचाना जो लक्ष्य है, वो उम्मीद करते हैं कि हम अपने माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य होगा। जो भी सरकारी योजनाएं आएगी तो मैं अमृत पंचायत की जनता के लिए पूरे ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। साथ में मेरा कुछ अपना योजना है, जो जैसे कि कन्या विवाह में प्रोत्साहन राशि, वो मेरा निजी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पंचायत के बीमार लोगों के लिए उसके लिए विशेष व्यवस्था हमारे तरफ से है। और जैसे कि कोई अगर डेथ करते हैं उसके क्रियाकरण के लिए भी हमारे पास उसके लिए खास व्यवस्था किया गया है, जो कि मेरा खुद का निजी योजना है। सरकारी योजना के अंतर्गत अभी अमृत पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जो कि बनने के बाद कभी चालू नहीं हुआ है। मुख्य रूप से उस स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाना वो मेरा जिम्मेवारी एक ग्रामीण के नाते और एक समाज सेवक के नाते भी होगा। उम्मीद करते हैं कि उसको भी 2021 में चालू करवा ही देंगे, चाहे जिस स्थिति में करवाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के तमाम जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बीच मैं एक प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, आप हमें आशीर्वाद दें और इसके बदले में मैं आपका आभार प्रकट करते हुए मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं इसके लिए अपने पंचायत के लोगों के बीच वचनबद्ध हूं और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे पंचायत के लोग हमें आशीर्वाद के देंगे। ये हमारा जैसा कि अपना सोच है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जनउपयोगी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी अमृत पंचायत विकास से कोसों दूर है। अमृत पंचायत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन किरासन हो, ऐसी कई मूलभूत समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए अमृत पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों ने मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित किया है कि आप पंचायत का नेतृत्व करें। महिला आरक्षित सीट होने के कारण मेरी माँ उर्मिला देवी मुखिया प्रत्याशी हैं। मैं पिछले चुनाव में भी मुखिया प्रत्याशी था,
और कुछ वोटों से पीछे रह गया था। इसके बावजूद भी मैंने पंचायत की जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करते आ रहा हूँ और जो भी संसाधन मेरे पास उपलब्ध है उससे अमृत पंचायत की जनता की सेवा भी करते आ रहा हूँ। इस बार मैं पंचायत की जनता की अदालत में हूँ। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों का आशीर्वाद मिला तो अमृत पंचायत विकसित पंचायत के रूप में बिहार ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में इस पंचायत का नाम दर्ज होगा। अमृत पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। खैर जो भी है अब से हमें बेहतर करना है, बेहतर चुनना है, जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर सोचना है। आज सरकार द्वारा कितनी महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय योजना लाई गई है। हर घर नल का जल कितना महत्वपूर्ण योजना है। माननीय मुख्यमंत्री का एक प्रयास था कि पंचायत के सभी वर्ग के लोग स्वच्छ जल पिए, सबके दरवाजे तक PCC सड़क हो, लेकिन अमृत पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने इस योजना का लाभ नहीं उठा पाया जो कि हमारे पंचायत की सभी जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। कुछ योजनाओं का कार्य किया गया लेकिन वो भी अधूरा रहा। इस बार पुनः पंचायत का चुनाव आ चुका है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपके हाथों में वो शक्ति है कि आप पंचायत के भविष्य को बदल सकते हैं, आप पंचायत की तकदीर को लिख सकते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। जब तक एक सच्चे और ईमानदार और सूझबूझ रखने वाले जन प्रतिनिधि को चुनेंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को कभी भी मैं निराश नहीं करूँगा और पंचायत का बेहतर विकास करूँगा। बस इसी के साथ बने रहिए आदर्श भारत TV के साथ और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हम हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।